हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? अभी हम 10 बजे हुए हैं और अभी आप सभी को पता है कि हम हुए हैं इंस्टा से लाइव, मतलब अभी लाइव फ्री हुए हैं हम लोग, लाइव फ्री हुए हैं हम लोग। अभी तक हम लोग का लाइव सेशन चल रहा था और अभी हम फ्री हुए हैं और जा रहे हैं डिनर करने। और जया ने बोला है कि कुछ सरप्राइज़ है, तो देखते हैं जाकर के कि क्या सरप्राइज़ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी ही मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लूँ। बाकी अभी से लेकर के मॉर्निंग तक रहेगा ये ब्लॉग, तो प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या हो रहा है। चलते हैं अंदर। हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? अभी पता है जया आई थी मुझे सरप्राइज देने के लिए कि भैया आपके लिए कुछ सरप्राइज है, और मैं अंदर गया तो मुझे पता ही नहीं चला सरप्राइज क्या है। देखते हैं क्या सरप्राइज है, जो भी मिलेगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। सो कीप वॉचिंग। चलते हैं अंदर। मैं अभी ये सारी चीजें सेम टू सेम बोल करके और अंदर जा रही थी और आपने सारी चीजें, यहाँ कितना अंधेरा रहता है गाइस, यहाँ भी कितना अंधेरा रहता है। एक्चुअली पापा रहते हैं यहाँ पर, वो रेस्ट करते रहते हैं, तो वो काफी टाइम पे लाइट बंद करके रखते हैं ताकि बिजली का बिल जाता ना। पापा जी का मानना है कि जिस रूम में कोई ना हो उस रूम में लाइट्स ऑफ रहना चाहिए, सेव एनर्जी सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं जितनी बार भी ब्लॉग बनाती हूँ ना, मैक्सिमम वही टाइम होता है जब यहाँ अंधेरा रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लाइव नहीं आते क्योंकि पापा रेस्ट करते रहते हैं। यस, और मैं अंधेरे को रोशनी में कन्वर्ट करने में माहिर हूँ क्योंकि मुझे लाइट्स बहुत पसंद है और इनको जो है इन्हें भी लाइट्स पसंद है, घर में सभी को लाइट्स पसंद है सिवाय पापा जी को। मैं धीरे से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दूसरे रूम में पापा जी हैं, सुन लेंगे तो फिर डांटेंगे। ये लोग जब देखो तब लाइट्स ही ऑन करके रखते हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। चलिए हम लाइट बंद करते हैं और चलते हैं। सरप्राइज। और मेरे रूम में भी लाइट बंद है अभी, क्योंकि अभी इस रूम में मैं भी नहीं हुई, ये मेरा रूम है। और अभी आ गए हैं, सरप्राइज स्पॉइल करने आ गए हैं। देखते हैं, मम्मी से पूछ रहे हैं कि क्या है सरप्राइज। मम्मी बैठी हुई अपने मोबाइल में ब्लॉग देख रही है हम लोगों का, और ये सरप्राइज पूछने आए कि क्या है सरप्राइज। सरप्राइज क्या है, कोई तो बता। लाइट मेरे मुंह, लाइट की बात की तो मेरे मुंह में ही लाइट आने लगी। हम जिस रूम में जाते हैं वही लाइट जलाते हैं। देखिए यहाँ पे भी लाइट थोड़ा सा कम था, हम यहाँ आया, यहाँ पे हमने जगमगा दी है। आपको लाइट पसंद है कि अंधेरा पसंद है? आप यहाँ लाइव में बताइए, आपको लाइट पसंद है कि अंधेरा पसंद है? क्या पसंद है, क्या पसंद है बता। इनको मोबाइल पसंद है और इनका हेडफोन पसंद है। चलते हैं भैया के पास, देखते हैं अभी वो लाइव ही हैं या आने वाले हैं। ये इतने हार्ड स्पॉट तो ऑन करी थी जैसे, मतलब क्या बोल, फेस देख लीजिए आप, फेस समझ में आ कैसा कैसा काम करते, फेस से समझ में आ जाएगा। गाइस आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा हमारे ब्लॉग का टाइटल पढ़ के कि ये, और मैंने लाइव में बोला था ना कि ये सरप्राइज स्पॉइल करने में बहुत। मैं तो देखी चुपचाप किचन में आ रहा था, अब जो जया ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान करी थी उसकी खुशबू मुझे आ गई, इसमें मेरी गलती तो है नहीं। जैसे तुमने बताया है ना, तुमने जया का सरप्राइज स्पॉइल किया। जया को हंसी आ रही है, अच्छा हुआ मेरा सरप्राइज। इसके फोन में तुमने वीडियो ली थी, नीलू ये बता दो। जय तुम्हारा सरप्राइज खराब हो गया, तुमको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम मैंने बनाया, आज तक कभी बनाया ही नहीं ना। बस फर्स्ट टाइम मुझे पता चल गया, फर्स्ट टाइम मेरे को पता चल गया। मुझे ऐसा लगता है मुझे एक चैनल खोल लेना चाहिए, क्या अपना चैनल बना लेना चाहिए द स्पॉइलर पर्सन। द स्पॉइलर
स्पॉइलर स्पॉइलर हाँ, ये वाला सही था। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मुझे ये चैनल बनाना चाहिए कि नहीं। मैं सबका सरप्राइज स्पॉइल कर देता हूँ। कुछ दिन पहले इनका किया था, कौन सा वाला था, 35 मंथ एनिवर्सरी का। तो मेरा कौन सा बहुत अच्छा हुआ है यार। नहीं नहीं, बहुत बड़ा काम किया है आपने। समझ के बोलना बोलते हैं जैसे तुम्हारा फोन और ईयरफोन कहाँ है। किसका नाम ईयरफोन? नाम ईयरफोन सबका हम लोग नाम देते हैं आज। ये ईयरफोन ईयरफोन नहीं तो कोंटा कोंटा में बैठे थे। एक कोंटा वन कोंटा टू मम्मी पापा जी का क्या होगा फिर? पापा जी का क्या? जया थोड़ा अपने फिजिक्स को लेकर थोड़ा ज्यादा आजकल ध्यान दे रही है। खूब एक्सरसाइज कर रही है, खाना कम खा रही है, कुछ भी ज्यादा कर रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल मिस एक्सरसाइज मिस एक्सरसाइज। और हम दोनों का क्या होगा? मिस सुवक्कड़, मिस्टर एंड मिसेस सुवक्कड़। सुवक्कड़ हाँ, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा लेट हम ही लोग सोके उठते हैं। लेट हम सोते हैं, पता है गाइस, हम लोग लेट सोने का ये एक रीजन है। देखिए इतना बड़ा घर है ना, हम लोग रात में 3 बजे तक जाग लेते हैं। फिर 3 घंटे की बात रहती है, 6 बजे 5-6 बजे मम्मी लोग उठी जाती है। तो बस 2 घंटे मतलब ये है कि लोगों को ऐसा कहते हैं कि हम लोग जाग रहे हैं। घर में कभी किसी प्रकार का कोई इंसान घुसने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए हम लोग 3 बजे तक जागते हैं और 5-6 बजे मम्मी लोग उठ जाती है, कोई डर ही नहीं। और बीच बीच में पापा जी 3-4 राउंड उठते ही रहते हैं वॉशरूम जाने के लिए। क्या एक्सप्रेशंस थे, वो पूरे कैप्चर हो चुके हैं गाइज, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कितने सुंदर एक्सप्रेशंस थे। ये देखिए गाइस, अभी भी ईयरफोन, कुछ लोगों ने कमेंट किए थे इंस्टा लाइव में, अभी भी ईयरफोन लगा हुआ है और ये फोन पास में ही है। सरप्राइज हो गया। मैंने इसको बोला जैसे तुम्हारा फोन दिखाओ तो देने लगी चुपचाप से। मैंने कहा जब वीडियो ब्लॉग इसमें बन रहा था तो जाहिर सी बात है सरप्राइज वीडियो भी होगा इसमें, तो तुरंत ले ली इसने, दी नहीं। अब मैं देख लेता हूँ सरप्राइज वीडियो पहले लाइए। तो सरप्राइज वीडियो आप देखिए भी और हम इसमें दिखाते हैं कि जया जयश्री ने किस तरीके से प्लान किया था। तो गाइस कीप वॉचिंग, मैं आप वो क्लिप ऐड कर रही हूँ जो जयश्री के फोन पे बनी हुई है इस ब्लॉग की। ये सो मैं भैया के लिए बना रही हूँ यम्मी यम्मी खीर, और आज पूर्णिमा भी है और भैया बाहर लाइव आए हुए हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता है। देखते उनको कैसी लग रही है। आज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ खीर, आज के पहले मैंने कभी बनाया नहीं है। देखती हूँ कैसी बनती है। आई भी है। आप लोग कैसे हो? बढ़िया है हम लोग। एक सरप्राइज है भैया, वो तो बाद में पता चलेगा। देखते हैं फिर, अभी अभी हम जा रहे हैं, कहीं सरप्राइज हमारा खराब ना हो जाए इसलिए जा रही हूँ। चुपचाप और मत लगाओ कवर। कल मैंने बोला था कवर लगा के रखा करो। मान लो ऐसे से अगर ऐसा हो जाता खत्म हो जाता। किधर का सामने में डिस्प्ले फिनिश। क्या फिनिश? इतना कमजोर नहीं आया। कैसी होती गोरिल्ला ग्लास ऐसी बताओ थोड़ा, डिफाइन करो गोरिल्ला ग्लास को। उससे क्या होता है गोरिल्ला ग्लास? गोरिल्ला ग्लास से क्या होता है? गोरिल्ला ग्लास से क्या होता है कि ऐसे ऐसे होता है तो टूटता नहीं। नहीं टूटता पक्का। पता है एक दिन जो बहुत सारे लोग फोन का रिव्यू देते हैं ना, एक चैनल पे मैं देख रहा था, उसकी आदत है कोई भी नया फोन आता है ना उसको पहले ओपन करता है, अनबॉक्सिंग करता है और उसको पहले ड्रॉप टेस्ट करता है। सबसे पहले ऐसा करता है, ऐसा करके मतलब ऐसे गिरा देता है वो। हाँ मतलब टेबल पे ऐसा नहीं,
और मेरी अंदर से रात में झक्के से हो गई, मैंने कहा ये भगवान नया फोन ऐसा पटक दे रहा है, हमको दे देता इससे अच्छा। माता रानी मुझे लगा फोन का तुम बताइए। चलिए तो खीर लाते हैं, क्या बोलती हैं? बिल्कुल डिनर की तैयारी करते हैं। और ओके देखिए गाइज, ये है मेरी पसंद की खीर और आज है पूर्णिमा और मैंने जय से बोला था, जय की दीदी से बोला था कि खीर बनाना और जय ने उसको इतने शिद्दत से लिया कि बना दी। थैंक यू सो मच जया, तुम्हारे लिए मेरी पसंद का ख्याल रखा है, तुम्हारे लिए मेरी साइड से एक ड्रेस जया तुम्हारे लिए, जो तुमको पसंद है तुम ऑर्डर कर लेना, उसका पेमेंट दीदी करेगी। मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं। जयश्री शाम वाली बात बता दो। कौन सी शाम वाली बात? कुछ नहीं बोली थी, गिफ्ट देंगे। अच्छा हाँ, मुझे भी टॉप मिलेगा ना। कैसा, कौन सा टॉप? दीदी मुझे दिलाएगी। दीदी काहे के लिए दिलाएगी? नमस्ते, मैं बहुत बड़ा काम करती हूँ। कौन सा काम करती हूँ? बहुत बड़ा। कौन सा बड़ा काम? अभी जाने बड़ा, तुमको पता है सुजा सकते हैं बड़ा काम? नहीं किया जा सकता। कौन सा काम? नौटंकी। वाह बहुत गंदी है। और गंदी है ना तुम्हारे लिए अभी रात में ऑर्डर कर सोएंगे ना, तभी मैं ऑर्डर करेगा। जी जी पसंद करेंगे, अच्छी अच्छी में गाइस क्या खीर बनी है सच में, मतलब मलाई से भरी हुई है, मलाई से। लीजिए भाई टेस्ट कीजिए, केसर और ड्राई फ्रूट्स और इट्स वेरी यम्मी। प्लीज कैसे बनी है जया ने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पहली बार खीर बनाई है, अपने लाइफ में पहली बार की खीर उसने आपको बना के खिलाई है। गैस सच में बहुत टेस्टी, तो एक ड्रेस की नहीं जैसी है जया। मैं अभी तक तुमको एक ड्रेस लेने के बोलता जया, तुम दो ड्रेस लेना मेरे साइड से। मैंने आज बनाई है बहुत टेस्टी खीर और अब हम लोग करने जा रहे हैं डिनर। सो डिनर करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे सीधे नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग को रखते हैं बस यहीं तक। सो यहाँ तक आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, शेयर करना मस्ट है। और जल्द से जल्द इस चैनल को 10K क्रॉस करवाइए और अपना प्यार बहुत सारा बनाए रखिए। और डेली हम लोग लाइव आते हैं इंस्टाग्राम पर, नीचे इंस्टाग्राम हमारी आईडी आ रही है, तो डेली लाइव 9 to 10 आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। और गाइस जिस तरीके से हम लोगों ने हल्ला किया था, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, तो आई नो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इट्स नॉट बिग सरप्राइज ऐसा वैसा, लेकिन अगर लाइफ में कोई फर्स्ट टाइम कुछ करता है तो उसकी खुशी अलग बात रहती है। और ये तो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, के बाद पहली बार खीर बनाई है वो भी इतनी टेस्टी, और फर्स्ट टाइम उनके भैया फर्स्ट बाइट जिसको बोलते हैं वो फर्स्ट टाइम आप ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी बात थी और ये हमारे लाइफ का एक प्यारा सा मोमेंट था, वो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। तो प्लीज, और सरप्राइज नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ चीज लेकर आए या कुछ गिफ्ट दें, तो ही हो रहा है। मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मैंने कल अचानक बोल दिया था कि मैंने कहा पूर्णिमा है और अक्सर हमारे यहाँ पूर्णिमा के टाइम पर खीर वगैरह बनते रहती है, तो मैंने ऐसे ही बोला था, लेकिन हम लोग क्या लाइव सेशन में ज्वाइन थे, इनके भी दिमाग से निकल गया था, लेकिन वो चीज वो माइंड में रखकर और उसने सरप्राइज दी, मुझे बेकार लगा कि मतलब मैं किचन में आया तो मुझे उसकी खुशबू आ गई तो वो स्पॉइल हो गया कि सरप्राइज मिला मुझे, ये बेकार लगा। नहीं नहीं मैंने स्पॉइल हो गया वो, लेकिन ठीक है, वो उसने मेरे लिए बनाई थी। थैंक यू सो मच जया, एंड चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, अपना अपनी फैमिली का सबका ख्याल रखिए, ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलिए, घर पे रहिए, हैंड वॉश करते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, और स्टीम आप जितनी टाइम हो सकता है स्टीम लेते रहिए, भाप लेते रहिए, और काढ़ा पीजिए, हल्दी वाला दूध पीकर सोइए, जितनी भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं लेते रहिए, और हमारे ब्लॉग को खूब सारा प्यार करते रहिए। सो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।
भी बोल दो जयश्री, खीर के बारे में क्या कहना चाहोगी? खीर कैसी लगी तुमको? काफी अच्छी बनाई है मैंने खीर, बहुत टेस्टी थी। भैया गिफ्ट देंगे मुझे जिसके लिए भैया ने ऐसा बोला, मैं कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाई जो ये सरासर झूठ है। थैंक यू भैया, बिल्कुल झूठ है। थैंक यू सो मच, मुझे पता है आप बताना नहीं चाहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कोई गिफ्ट क्या मुझे देने वाले, बट मैं लाइफ में बोल रहा हूँ कि मैं कुछ भी गिफ्ट नहीं दूंगा, इसकी भावनाओं में ना आए। आप लोग देने वाले हैं, आप लोग देने वाले। हाँ गाइज, आप लोग देने वाले दे सकते हैं कि गिफ्ट कुछ देना चाहें तो जयश्री को दे सकते हैं। आप लोग हाँ मतलब आप ही लोग। और देखिए जैसे कि आप लोग बोलते हैं, अभी भी इसके हाथ में पैर में सॉरी ईयरफोन है और मोबाइल है। तो इस व्लॉग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मिलते हैं कल सुबह एक न्यू व्लॉग के साथ। और कल का व्लॉग स्टार्ट करेगी जयश्री और उसका साथ देगी जया। सो गाइज बाय बाय।